दोस्तों स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ वेज हांडी। तो ये बहुत ही खास डिश है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून जीरा। देखिए जब अब जीरा जब नाचना शुरू हो जाए इसका मतलब कि जीरा हमारा टोटली पक चुका है, इसका रौनस हट गया है। तो आप इसे हम हल्की हाथों से एक बार हिला लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 2 छोटे प्याज पतली से काटे हुए। तो हमें प्याज को बहुत ही पतला काटना है क्योंकि जितना पतला काटेंगे वो पकने में उतना ही आसान हो जाएगा। प्याज डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और क्योंकि हम इसमें बिल्कुल ही ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इससे प्याज पकने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। तो नमक डालने से दोस्तों क्या होता है कि प्याज का जो मॉइस्चर है वो अपने आप निकलने लगता है और उसी मॉइस्चर में ये प्याज पक जाएगा। तो हमें इसमें बिल्कुल ही तेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे लगभग 5 मिनट पकाएंगे बंद करके। तो जब तक ये प्याज पक रहा है चलिए हम अपना वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 मीडियम कैप्सिकम, ये हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। कैप्सिकम को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगा। क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है तो आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते होंगे तो आप सभी वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वेजिटेबल्स दिखा रहा हूँ आप उसी का यूज़ करें। फिर मैं डाल रहा हूँ फूलगोभी। यहाँ मैंने फूलगोभी की 4 कलियाँ बड़ी कलियाँ ले ली हैं और इसे भी क्यूब शेप में हम काट देंगे। गोभी के बाद फिर हम ले रहे हैं बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास बेबी कॉर्न अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं क्योंकि मेरे को अभी यहाँ वेजिटेबल्स में बेबी कॉर्न और बहुत सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो बेबी कॉर्न काटने के बाद मैं ले रहा हूँ 1 मीडियम कैरेट। कैरेट को भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगा। फिर मैं ले रहा हूँ 2 मीडियम पोटैटो यानी कि आलू, इसे भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। देखिए दोस्तों वेजिटेबल्स पूरा दिखने में ही हमें इतना अच्छा लग रहा है एक साथ। तो देखते हैं प्याज हमारा कैसा भी कुक हो गया कि नहीं। तो प्याज बिल्कुल कुक हो गया है, इसका रंग भी बदल गया, अभी ये ब्राउन रंग हो गया है। तो इस स्टेज में हम अभी डालेंगे 2 तेज पत्ते और फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली गार्लिक जिंजर पेस्ट। यहाँ मैं 2 ग्रीन चिली का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम बाद में रेड चिली पाउडर भी यूज़ करेंगे तो आप इसके हिसाब से ग्रीन चिली यूज़ कीजिएगा। तो एक बार ग्रीन चिली गार्लिक और जिंजर का रॉनेस जब एक बार वो रॉ टेस्ट जब हट जाए फिर हम डालेंगे यहाँ पर टोमेटो प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम टोमेटोज यूज़ किए, इसे मैंने मिक्सी में एक कच्चा पीस लिया है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर का कच्चा पन ना निकल जाए। फिर इसमें हमें यूज़ करना है थोड़े से मसाले। तो हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर डालेंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और लास्ट में हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो अगर आपका गरम मसाला पाउडर घर में बनाया हुआ है तो आप इसे कम भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा मसाला ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
तुम सभी के लिए ठंडा का मौसम चल रहा है, तो अभी ये सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगे। तो आप जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं जो मैंने दिखाया, उसके अलावा और भी वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि मूली का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें आप। तो एक बार ये टमाटर अच्छी तरह पक जाए तो इसमें हम डालेंगे एक अनियन डाइस किया हुआ, फिर हम डालेंगे इसमें फ्रेश ग्रीन पीस एक कप, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे हम डालेंगे सारे वेजिटेबल्स जो हमने पहले काट के रखे थे, वो सारे वेजिटेबल्स हम अभी इसमें डाल देंगे। तो हम यहाँ डाल रहे हैं कैप्सिकम डाल रहे हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, फिर हम डाल रहे हैं यहाँ पे पोटैटोस, बेबी कॉर्न और कैरेट। देखिए फ्रेंड्स, हम ये सब वेजिटेबल्स डाल के कितना हरा भरा और कितना रंगीन दिख रहा है हमारा डिश। ये रंगीन के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी होगा क्योंकि हम इतने सारे वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं इसमें। मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स डालने के बाद, ताकि ये पूरा जो मसाला है वेजिटेबल्स में अच्छी तरह कोट हो जाए। इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप कम पानी यूज़ कीजिए, और अगर थोड़ा ज़्यादा पतली चाहिए तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालते वक्त याद रखिएगा कि वेजिटेबल्स में भी इनका नेचुरल पानी होता है, जब हम पकाएंगे तो वो भी पानी रिलीज करेगा, तो पानी का यूज़ सावधानी से कीजिएगा। हम इसे बंद करके अराउंड 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। अगर सब्जियां पक जाए तो इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून बेसन पाउडर। बेसन पाउडर के हमें दो फायदे हैं, पहला फ़ायदा ये है कि ये ग्रेवी को थोड़ा थिक कर देगा, और दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो बेसन पाउडर डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे एक कप दही, इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अगर फेटेंगे नहीं तो दही इसमें डालते ही दही फट जाएगा और ये पानी अलग हो जाएगा इसका, तो वो उसका टेस्ट भी फिर ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह फेटने के बाद एक कप दही हम डालेंगे, और दही डालते ही हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस स्टेज पे फ्रेंड्स आपको गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो कर देना है, या तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर गर्म हो जाए तो दही फट जाएगी। तो यहाँ पे बेसन का दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये दही को भी बाइंड करने में हेल्प करता है, दही को भी फटने से रोकता है, तो ये उसका दूसरा फ़ायदा। फिर हम डालेंगे यहाँ कसूरी मेथी, और थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ भी बहुत गाढ़ी दिख रही है ग्रेवी, इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है। और इसे हम फिर से थोड़ी देर पकाएंगे जब तक इसमें उबाला ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, में अभी उबाला आना शुरू हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें बारीकी से कटे हुए धनिया पत्ता। हम यहाँ पे अभी एक कप धनिया पत्ता का यूज़ कर रहे हैं, ये हम अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि जो धनिया पत्ता का फ्लेवर है वो इस डिश में अच्छी तरह आ जाए। तो दोस्तों, इस स्टेज पे चाहे तो आप आधा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा ही पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपका दही खट्टा है या आपने टमाटो प्यूरी बनाया, अगर टमाटर खट्टा है तो इस स्टेज पे आपको लेमन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप अगर चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको अगर खटाई पसंद है तो आप लेमन भी यहाँ पर इस स्टेज में डाल सकते हैं। दोस्तों, हमारा वेज हांडी अभी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और हम फाइनली इसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया पत्ते के साथ और एक लेमन का स्लाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।